मेरे प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं इस क्लास को। और इस क्लास में एक्सरसाइज 9.2 के एग्जांपल कंप्लीट करवा देंगे, और पिछली क्लास में एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन कंप्लीट करवाए थे। अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना है और इस क्लास में एग्जाम्पल कंप्लीट करवा देंगे। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो अपने फ्रेंड सर्कल में। तो आपको दिख रहा होगा एग्जांपल फर्स्ट बताया गया है, एक्सपेंड साइन एक्स इन पावर ऑफ एक्स माइनस पाई बाई टू। ठीक हो, इसको एक्सपेंड करवाते हैं। यहां पे लिख लो साइन एक्स को एक्सपेंड करना है, ठीक है ना। तो यहां पर लेट एफ एक्स के इक्वल आपको लिख लेना है साइन एक्स, ठीक है। अब आपको पता है कि इन पावर ऑफ किसके लिए बोला है, एक्स माइनस पाई बाई टू के लिए बोला है। तो एक्स माइनस ए से अगर हम कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, पाई बाई टू मिल जाएगी। तो तीन रिजल्ट आपको बताए थे याद करने को, तो कौन सा रिजल्ट यूज होगा, जो प्रूव करवाई थी ना टेलर थ्योरम, वही रिजल्ट यहाँ पे यूज होगा, क्योंकि एक्स माइनस ए दिख रहा है, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एफ पाई बाई टू, ठीक है, यहाँ पे रखो साइन 90 की वैल्यू आपको बताना है, बन होती है, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव की आंसर शीट निकालते हैं, क्या मिले कॉस, ठीक है, निकालो वैल्यू कॉस 90 की वैल्यू बताओ क्या होती है, जीरो होती ना, ठीक है। अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे सेकंड डेरिवेटिव की आंसर शीट, सी ओ से स्टार्ट है माइनस छोड़ेगा, कितने होते हैं सी ओ से स्टार्ट, तीन होते हैं कॉस कॉट और कॉसेक। जब आपको डिफ्रेंशिएट करना हो तो माइनस छोड़ते हैं जो सी ओ से स्टार्ट होते हैं, तो ये माइनस छोड़ेगा ना, ठीक है। अब आंसर शीट निकाल लेते हैं, रखो साइन 90 की वैल्यू वन और ये माइनस आपको लिख लेना है, ठीक है। अब कितनी आंसर शीट चाहिए, तीन चाहिए, जीरो को काउंट नहीं करते हैं, तीन मिल जाए तुरंत ही हम टेलर सीरीज का यूज कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड डेरिवेटिव की आंसर शीट निकालते हैं, तो देख लो यहाँ पे साइन का क्या होगा, कॉस होगा ना, ठीक है। एफ ट्रिपल डेज पाई बाई टू वैल्यू रखो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा माइनस का कॉस, ठीक है, कॉस 90 वैल्यू जीरो, तो आपको प्लस का ही लिखना है जीरो, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, तो अभी हमको दो आंसर शीट मिली, एक और दो, एक और चाहिए, देख लो फोर्थ डेरिवेटिव की आंसर शीट निकालते हैं, फिर सी ओ से स्टार्ट है माइनस छोड़ेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है, रखो भाई पाई बाई टू, यहाँ पर साइन पाई बाई टू बताओ, वन वन टू थ्री मिल गई, तीन आंसर सीट हैं, तो यहाँ पर यूज कर लो, यूजिंग लिख लो, सभी स्टूडेंट लिख लो, यूजिंग टेलर थ्योरम एफ एक्स के इक्वल क्या होता है, ये तो आपको याद ही होगा क्योंकि हमने टेलर थ्योरम को प्रूव करवाया था और उसका स्टेटमेंट भी लिखवाया था, तो ये जानकारी आपको होगी, तो लिख लो, ठीक है, ऐसे करके एक्स माइनस ए की होल पावर टू अपॉन में फैक्टोरियल टू एफ डबल डेस ए, ठीक है। कहाँ तक जाना है, फोर्थ डेरिवेटिव तक जाना है, और लिखो एक्स माइनस ए की होल पावर थ्री अपॉन में फैक्टोरियल थ्री एफ ट्रिपल डेस ए, ठीक है ना, प्लस एक्स माइनस ए की होल पावर फोर अपॉन फैक्टोरियल फोर एफ फोर्थ डेरिवेटिव, ठीक है ना, और यहाँ पे लिख लो ए और आगे प्लस डॉट डॉट डॉट,
पहले आपको a की वैल्यू इसमें रख लेना है, ठीक है, रखते हैं। तो एफ एक्स के इक्वल एफ पाई वाई टू, ठीक है, वैल्यू डाल दी है कि तो x माइनस पाई वाई टू, अब इसकी वैल्यू डालो पाई वाई टू, ठीक है, यहाँ पे डालो x माइनस पाई वाई टू की होल पावर टू अपान में फैक्टोरियल टू, यहाँ पे डाल दो पाई वाई टू, ठीक है, अब यहाँ पे डालो x माइनस पाई वाई टू की होल पावर थ्री अपान में फैक्टोरियल थ्री एफ थर्ड डेरिवेटिव, जहाँ जहाँ a आपको दिख रहा है पाई वाई टू डालना है। अब आ जाइए यहाँ पे, तो प्लस x माइनस पाई वाई टू होल पावर कितनी है फोर अपान में फैक्टोरियल फोर, ठीक है, और इनटू में क्या है फोर्थ डेरिवेटिव। अब रखना है वैल्यू जो निकाली है, तो मेरे प्यारे बच्चों एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे डाल दो, ठीक है, एफ पाई बाई टू की वन आपको यहाँ पे रखना है, ठीक है, तो इतना नोट करो। अब इसको हम बताते हैं आगे, ठीक है, यहाँ से आपको नोट करना है एफ एक्स की वैल्यू डाल दो, क्या है साइन एक्स है ना, ठीक है, एफ पाई बाई टू की आंसर क्या निकली थी वन निकली थी, यहाँ पे आ जाओ प्लस एक्स माइनस पाई वाई टू एफ डेस पाई बाई टू की आंसर शीट बताओ जीरो निकली थी, तो डालेंगे तो ये टोटल जीरो हो जाएगा, यहाँ पे आपको जीरो लिख देना है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ प्लस एक्स माइनस पाई वाई टू की होल पावर टू अपान में फैक्टोरियल टू, ठीक है, इतना लिखो, यहाँ पे आ जाओ एफ डबल डेस पाई बाई टू, आंसर शीट निकली है ये, माइनस वन रख दो, फिर नेक्स्ट आंसर शीट जीरो इसकी, एफ ट्रिपल डेस पाई बाई टू, यहाँ पे देख लो जीरो है रख ली, ठीक है, फिर एक्स माइनस पाई बाई टू की होल पावर फोर अपॉन में फैक्टोरियल फोर। अब आ जाइए यहाँ पे फोर्थ डेरिवेटिव, ये आंसर शीट क्या निकाली थी ये वन निकाली थी, फिर आगे डाट डाट डाट, ठीक है, यहाँ पर आपको प्लस माइनस लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट जो टर्म लिखा जाएगा क्लियर नहीं होगा कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, तो यहाँ पे डाट 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 करके लिखना है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखो वैल्यू तो आपने रख ली ना, सेट करना है, क्या करना है सेट करना है, करते हैं भाई सेट इसको, तो साइन एक्स को ऐसे ही आपको लिख लेना है, यहाँ पर आ जाओ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा एक्स माइनस पाई बाई टू की होल पावर टू अपान में फैक्टोरियल टू, ठीक है, यहाँ पे आ जाओ प्लस एक्स माइनस पाई बाई टू की होल पावर फोर अपान में फैक्टोरियल फोर, यहाँ पे डाट 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 ऐसे करके लिखना है। देखो सीरीज में कितने टर्म है, कितने दिख रहे हैं, वन टू थ्री दिख रहे हैं, मिनिमम आपको थ्री टर्म लिखना है सीरीज में, ज़्यादा से ज़्यादा टर्म चाहे जितने लिखो, ज़्यादा लिखोगे टाइम ज़्यादा लगेगा ना, तो तीन लिखो पूरे ही नंबर मिलेंगे, अगर लिखना चाहते हो आगे लिखो नंबर तो उतने ही मिलेंगे, तो क्यों ज़्यादा लिखो, उतने ही लिखो जिससे काम चल जाए, तो मिनिमम आपको थ्री टर्म लिखना है, चाहे क्वेश्चन हो और चाहे एग्जाम्पल हो, ठीक है, इसको हम रफ करते हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल सेकेंड, एग्जाम्पल सेकेंड जो है जो फंक्शन गिवन है पॉलिनोमियल है, देख लो पॉलिनोमियल है, पावर भी बोली है एक्स माइनस टू, तो जैसा ये एग्जाम्पल फर्स्ट हुआ ना ऐसे ही सेकेंड होगा सॉल्व, देख लो यहाँ पे डालते हैं, आपको क्या करना है लेट कर लेना है एफ एक्स के इक्वल तो टू एक्स क्यूब, फर्स्ट टर्म हो गया प्लस सेवन एक्स स्क्वायर, सेकेंड टर्म हो गया प्लस एक्स माइनस वन, ठीक है, वैल्यू निकाल लो, आपको पता है कि ये x माइनस टू कंपेयर करेंगे ना x माइनस a से, तो वैल्यू मिल जाएगी टू, तो f टू की वैल्यू निकाल लो, किसकी निकाल लो f टू की निकाल लो, देखो यहाँ पे रखो टू, टू की पावर थ्री कितना हो गया एट, एट टू जा सिक्सटीन, ठीक है, यहाँ पे आ जाओ टू का स्क्वायर फोर 28 होगा ना, सेवन फोर जाए 28,
यहाँ पे टू रखो, टू माइनस वन प्लस वन, अब इनको प्लस कर लो, प्लस करेंगे नाइन हो जाएगा, नाइन सिक्स फिफ्टीन हो जाएगा, वन कैरी मिल गए, टू और वन थ्री और वन फोर, ठीक है, लिख लो 45 आंसर शीट निकली है एफ टू की, ठीक है, इसको हम रफ करते हैं। अब देखो डिफ्रेंशिएट करेंगे एफ डेस एक्स, पावर आगे कर लो और वन पावर लेस कर लो, ठीक है, एक्स पावर एन का फार्मूला यूज हुआ है। अब देखो यहाँ पे पावर आगे कर लो तो इतना मिल जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे वन इसका जीरो ना लिखो। अब निकालो यहाँ पे एफ डेस टू की आंसर शीट, ठीक है, यहाँ पे रखो टू एक्स के स्थान पे, तो टू का स्क्वायर कितना हुआ, फोर, फोर सिक्स सिक्स जैट 24, यहाँ पे टू रखो कितना मिलेगा 28, 14 टू जा 28, और प्लस का वन, इसको प्लस कर लो तो वन और एट नाइन, नाइन फोर 13, वन कैरी मिल गए, टू और टू फोर और वन फाइव मिल गया, ठीक है, तो कितनी आंसर शीट मिल गई, तीन मिल गई, एक और निकाल लो, ठीक है, एक और निकालते हैं एफ डबल डैश एक्स कितना हो जाएगा 12x और प्लस का 14, ठीक है, एफ डबल डैश निकाल लो टू, यहाँ पे रखो टू कितना मिलेगा 12 टू जा 24, ठीक है, और प्लस का 14, प्लस कर लो 4 4 8, वन और टू थ्री, ठीक है, तीन मिल गए। अगर हम इसकी बात करें पॉलीनोमियल की तो ये फाइनाइट आंसर शीट देगा, क्या देगा, फाइनाइट देगा, एक और निकाल लो, जैसे पॉलीनोमियल की अगर बात करें डिफ्रेंशिएट करते रहोगे लास्ट में ये बता देगा फाइनाइट भाई, तो निकालो तो निकाल लो, नहीं तो तीन टर्म से ही लिख लो, नंबर पूरे मिलेंगे, लेकिन अगर निकालोगे तो देखो एफ ट्रिपल डैश एक्स कितना मिलेगा 12 मिलेगा ना, 14 का जीरो हो गया, मतलब इसके आगे अगर निकालोगे फोर्थ डेरिवेटिव आंसर शीट जीरो आएगी, तो मतलब टर्म यहाँ पे फाइनाइट रहेंगे, ऐसे अगर डॉट 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 करके लिखना चाहते हो लिख सकते हो, ठीक है, तीन आंसर शीट यूज़ कर लो, लेकिन अगर फाइनाइट है दिखा दो, क्या दिक्कत है, दिखाते हैं यहाँ पे फाइनाइट अगर टर्म मिल रहे हैं तो आपको दिखा देना है। तो यहाँ पे हम रखेंगे टू एक्स नहीं है तो नहीं रखोगे, ठीक है, इतना ही लिखो, अगर एक्स होता है इसमें तो टू रख के इंटू इंटू कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे यूजिंग टेलर्स थ्योरम का यूज कर लो, तो एफ एक्स के इक्वल याद तो होगा ना, दिक्कत नहीं आएगी, हम जल्दी जल्दी लिख देते हैं एफ डेस ए प्लस एक्स माइनस ए की होल पावर टू अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश ए, कहाँ तक जाना है, थर्ड डेरिवेटिव तक जाना है, ठीक है, एक्स माइनस ए की होल पावर थ्री अपॉन में फैक्टोरियल थ्री एफ ट्रिपल डैश ए, अभी तो प्लस डॉट 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 कर लो, लेकिन जब वैल्यू रखोगे तो फाइनाइट टर्म मिलेंगे, तो एफ एक्स की वैल्यू डाल दो, टू एक्स क्यूब प्लस का सेवन एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस वन, टू एक्स क्यू प्लस का सेवन एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस वन, ठीक है, ए की पहले वैल्यू डाल दो, ए की कितनी है टू है, जहाँ जहाँ ए है टू डाल दो, जहाँ जहाँ ए है कितना डाल दो, टू डाल दो, जहाँ जहाँ आपको क्या दिख रहा है ए कितना डाल दो, टू डाल दो प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है, चलो अब वैल्यू रखते हैं एफ टू की, देख लो कितनी है 45 है, ठीक है, और प्लस एक्स माइनस का टू, एफ डैश टू की कितनी है 53 है, ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक्स माइनस टू की होल पावर टू अपान में फैक्टोरियल टू, एफ डबल डैश की कितनी है 38 है, ठीक है, एक्स माइनस टू की होल पावर थ्री अपान फैक्टोरियल थ्री, और इसकी आंसर शीट क्या है 12 है, आगे डॉट डॉट नहीं जाएगा क्योंकि ये फाइनाइट बता देगा, अब थोड़ा सिंपलीफाई कर लो, ये तो डायरेक्ट कैंसिल कर लो, क्योंकि फैक्टोरियल टू की वैल्यू क्या होती है, टू होती ना,
ये 19 आ जाएगा। यहाँ पे 3, 2, 1 देखो कैसे ओपन करोगे, 3, 2, 1 कितना हो गया, 6 हो गया। 6 से अगर काटो तो कितना मिलेगा, 2 मिल जाएगा, 12 कट गया ना, 6 से 2 जाए 12। ठीक है, अब यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन अच्छा रखने के लिए इसको नोट कर लो, फिर एक बार नोट करो, इक्वल में 45 प्लस 53 इंटू में x माइनस 2 प्लस यहाँ पे 19 आगे करके x माइनस 2 की होल पावर 2, और यहाँ पे 32 नहीं है, ये पावर जो है इसकी है, और यहाँ पे 2 मिला है। ठीक है, 2 आगे करके ऐसे लिख लो, बस फाइनाइट ही देगा ना, तो डॉट 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 यहाँ पे ना लिखो। जो हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करवाए ना, तो वहाँ पर हमने क्या किया था, डॉट 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 करके आंसर शीट बताई थी। अगर आप चाहो तो निकाल लेना, जैसे एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करवाए ना पॉलीनोमियल के, तो वहाँ पे हमने डॉट 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 करके आंसर शीट बताई थी, वहाँ पर एक और निकाल लेना या दो निकले फाइनाइट बता देना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जितना बताया है उतना ही करके चले आना, पूरे ही नंबर मिलेंगे, नंबर नहीं कटते हैं। यहाँ पे हमने फाइनाइट टर्म बता दिए, क्योंकि आगे जीरो ही टर्म मिलेगा अगर अगेन डिफ्रेंशिएट करोगे, तो इतनी आंसर शीट आ गई है, नोट करो। अब नेक्स्ट देख लो, इसका रिलेटिव है कुछ, हाँ इसका रिलेटिव एक प्रॉब्लम दी गई है, सेम टू सेम ऐसे ही सॉल्व करेंगे, पहले इसको रफ करते हैं ना, फिर उसके बाद सॉल्व करवाते हैं। अगर लाइक नहीं किया है वीडियो को, लाइक करो भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि उसमें आपका ही फ़ायदा है, जब भी हम नई क्लास लाएंगे ना तो YouTube द्वारा नोटिफिकेशन रैपिड फायर की तरह मिलेगा आपको, तो इसलिए बोलते हैं। तो रिलेटिव प्रॉब्लम ये है, ठीक है, तो यहाँ पे RP डाल देते हैं, क्या डाल देते हैं, रिलेटिव प्रॉब्लम RP, लेट कर लो पहले, fx के इक्वल क्या कर लो, लेट कर लो, शायद आपको ना दिख रहा हो तो थोड़ा सा यहाँ से लिखते हैं, ठीक है, लेट fx के इक्वल, देखो यहाँ पे एक्स क्यू है, हमने लिखा है एक्स क्यू माइनस क्या है 3x स्क्वायर है, फिर प्लस का 5x है, माइनस का 7 है, तो देख लो यहाँ पे इन पावर ऑफ दो टर्म है ना, तो दो टर्म में पहला रिजल्ट यूज करना है, तो एक ही वैल्यू आपको निकालना है, कंपेयर करके कितनी मिल जाएगी, a इक्वल माइनस का 2 मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, तो a की वैल्यू माइनस 2 मिल गई, और ये तो लिख लिया ना x क्यू माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस 7। अब देखो यहाँ पे वैल्यू डाल दो, माइनस 2 डालना है, जहाँ जहाँ x है कितना डालना, माइनस 2, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का 8 आ जाएगा, यहाँ पे डालोगे माइनस 2, माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, ठीक है, यहाँ पे डालोगे माइनस 2, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 5 2 जा 10, और माइनस का 7, सारे के सारे माइनस के मिल गए, तो प्लस कर लो, नेगेटिव की आंसर शीट आएगी, ठीक है, तो 7, 8, 15, 15, 10, 25, ठीक है, और 12 और प्लस कर लो, कितना मिला, 37 मिल गया, तो यहाँ पे लिख लो 37, ठीक है। अब देखो इसको रफ कर दें, देखो अब भाई फर्स्ट डेरिवेटिव की आंसर शीट निकालते हैं, कितना मिलेगा 3x स्क्वायर और इतना, ये तो आप लोग जानते हो डिफ्रेंशिएट, तो कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू डाल दो, माइनस 2 डालना है, ठीक है, यहाँ पे डालो माइनस 2, 4 देखना 4 3 जा 12, प्लस का मिला, माइनस 2 डालोगे माइनस माइनस प्लस हो जाए 6 2 जा 12, ठीक है, और प्लस का 5, ये सारे के सारे प्लस हैं, तो 12 12 24 हो गए, और 5 को प्लस कर लो तो 29 हो गए, ठीक है। आप क्या करो, सेकंड डेरिवेटिव की आंसर शीट इतनी मिल गई, ठीक है, वैल्यू निकालते हैं, एफ डबल डैश माइनस 2, रखो यहाँ पे माइनस 2, कितना हो गया 2 6 जा 12 हो गया ना, माइनस 6 कितना हुआ, माइनस का 18,
एक और निकालो, फाइनाइट आंसर शीट देगा ना, निकाल लो, सिक्स आए आंसर शीट, इसमें वैल्यू क्या डालोगे? वैल्यू डालोगे वही मिलेगी, एक्स तो ख़त्म है, एक्स क्या है ख़त्म है ना, वही वैल्यू मिलेगी। ठीक है, अब क्या करूँ, एक्सपेंशन यूज कर लो भाई टेलर सीरीज का, तो यहाँ पे लिख लो यूज इन टेलर थ्योरम, एफ एक्स के इक्वल लिख लो एफ ए प्लस एक्स माइनस ए इंटू में एफ डैश ए प्लस एक्स माइनस ए की होल पावर टू अपान में फैक्टोरियल टू इंटू में एफ डबल डैश ए प्लस एक्स माइनस ए की होल पावर थ्री अपान में फैक्टोरियल थ्री एफ ट्रिपल डैश ए। ठीक है, थर्ड डेरिवेटिव तक जाना है, पहले ए की वैल्यू डालते हैं, डाल दो ए की वैल्यू, तो एफ एक्स के इक्वल ए की वैल्यू क्या थी, माइनस टू है ना, यहाँ पे रखोगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जहाँ जहाँ ए है माइनस टू आपको डालना है, जहाँ जहाँ ए है क्या डालना है, माइनस टू डालना है, जहाँ जहाँ ए दिख रहा है क्या डालना है, माइनस का टू डालना है, ट्रिपल डैश माइनस टू आगे डॉट डॉट डॉट। अभी तो यहाँ पे डॉट डॉट चला लो, जब वैल्यू रखेंगे तो फाइनाइट ही टर्म मिलेंगे, एफ एक्स की वैल्यू डाल दो, तो एक्स क्यूब माइनस का थ्री एक्स स्क्वायर प्लस का फाइव एक्स माइनस का सेवन। ठीक है, ओके, एक्स क्यूब माइनस का थ्री एक्स स्क्वायर प्लस का फाइव एक्स माइनस का सेवन। अब देखो यहाँ पे एफ माइनस टू की आंसर शीट देख लो, वो है माइनस का थर्टी सेवन। ठीक है, फिर प्लस एक्स प्लस टू ऐसे ही रखो, एफ डेस माइनस टू ट्वेंटी नाइन। ठीक है, प्लस एक्स प्लस टू की होल पावर टू अपान में फैक्टोरियल टू, एफ डबल डेस माइनस टू की माइनस का एट्टीन है, प्लस एक्स प्लस टू की होल पावर थ्री अपान में फैक्टोरियल थ्री, एफ ट्रिपल डेस माइनस टू की सिक्स है। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, और ये तो फाइनाइट देगा ना, आगे टर्म नहीं आपको लिखना है, क्योंकि आगे लिखोगे इसका डिफरेंशिएट करोगे जीरो मिलेगा, आगे के जितने टर्म हैं वो सारे के सारे जीरो रहेंगे, तो ये फाइनाइट दे देगा। ठीक है, अब देखो सेट करके लिखना है इसको, तो ऐसे ही आपको लिख लेना है एक्स क्यू माइनस का थ्री एक्स स्क्वायर प्लस का फाइव एक्स माइनस का सेवन इक्वल माइनस का थर्टी सेवन ट्वेंटी नाइन आगे लिख लो, तो एक्स प्लस का टू यहाँ पे आ जाओ, ये काट लो टू नाइन जा एट्टीन, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव हो गया ना, तो x प्लस टू की होल पावर टू आ गई। अब वहाँ पे देख लो क्या मिला, ये प्लस माइनस माइनस तो कर दिया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आ जाओ ये तो पूरा पूरा कैंसिल हो गया, तो x प्लस टू की होल पावर थ्री, ये आंसर शीट आ गई, नोट करो, ये भी कंप्लीट हो गया। रिलेटिव प्रॉब्लम है ना, इसको हमने क्या किया, सॉल्व करवा दिया, और जिससे आपको नंबर मिलते हैं उसको हाईलाइट कर लो, उसको क्या कर लो, हाईलाइट कर लो, ये हो गया। अब एग्जांपल तीन की बात करेंगे, आंसर शीट सामने है क्योंकि प्रूव करना है, इसको लेके चलना है, और वन टू थ्री फोर फाइव मतलब पांच टर्म आपको बताना है। ठीक है, इतना नोट करो। अब बताते हैं एग्जांपल तीन कैसे सॉल्व होगा, आप लोग पहले समझ लो उसे कि कौन सा एक्सपेंशन हमको यूज करना है। वह तीन रिजल्ट बताए थे याद करने को, एक जो हमने प्रूव करवाया था और दो नोट में लिखवाए थे, दो नोट में लिखवाए थे ना पिछली क्लास में, और एक प्रूव करवाया था। तीन एक्सपेंशन है आपके पास, तो वो तीन रिजल्ट आपको ध्यान रखना है कौन सा यूज होगा, वो भी आपको जानकारी होना चाहिए। ठीक है, तो देख लो यहाँ पे यूज टेलर्स थ्योरम टू प्रूव दैट। ठीक है, आपको पहले इसको लेट कर लेना है, यहाँ पे x प्लस एस दिख रहा है, जो दिख रहा है उसी से आपको लेट करना है। एफ एक्स प्लस एच क्या है मेरे पास, टेन इनवर्स एक्स प्लस एच, यही है। हमने आपको बताया था कि x प्लस एच का जब यूज होता है तो x की वैल्यू जीरो भी डाली जाती है और h की वैल्यू जीरो डाली जाती है। ये कब डालोगे, लिखा हो क्वेश्चन में या एग्जांपल में इन पावर ऑफ x, ये कब डाली जाती है,
लिखा हो क्वेश्चन या फिर एग्जांपल है इन पावर ऑफ एच, तो देख लो लिखा है यहाँ पे, नहीं लिखा है तो आपको आंसर शीट में देख लेना है, पावर देखना है, जैसे एक्स पावर वन एक्स पावर टू ऐसे करके है तो समझ जाओ इन पावर ऑफ एक्स में आंसर शीट हमको बताना है, या फिर एच की पावर वन एच की पावर टू एच की पावर थ्री ऐसे मिल जाए आंसर शीट में, तो समझ जाना है इन पावर ऑफ एच में आपको ये यूज करना है। तो ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे, यहाँ पे एच दिख रहा है, यहाँ पे अगर देखा जाए पावर इसे दे दो तो एच स्क्वायर, यहाँ पे आ जाओ एच की पावर थ्री, तो मतलब ये वाला यूज करना है इन पावर ऑफ एच। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू डाली जाती है एच की वैल्यू जीरो, ये पहचान है जो हमने आपको बताया है, ये है पहचान कि किसकी वैल्यू डालोगे। पावर देखते हैं कि अगर एक्स की वन टू थ्री ऐसे करके हैं तो एच की वैल्यू डालना है जीरो, अगर आंसर शीट में एच की पावर बता दे वन टू थ्री ऐसे करके तो एच की वैल्यू जीरो डालना है, या फिर क्वेश्चन में या फिर एग्जांपल में लिख के आ जाए इन पावर ऑफ जो भी वेरिएबल हो तो उसकी वैल्यू जीरो डाल देना है, कि नोट में हमने लिखवाए थे, दो लिखवाए थे उनमें से एक यूज हो गया। तो देख लो यहाँ पे एफ एक्स के इक्वल जब जीरो डालोगे इतना मिलेगा। ठीक है, अब इसका डिफ्रेंशिएट तो जानते हो ना, तो वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर देखा जाए ये जो है एक्स स्क्वायर प्लस ऐसे करके, ये हमने एक्सरसाइज 8.2 मतलब चैप्टर 8 जो है आपको पढ़ाया था सक्सेसिव डिफ्रेंशिएशन, चैप्टर 8 पढ़ाया था सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, उसमें एक्सरसाइज 8.2 में 9 फंक्शन बताए थे जिनका nth डेरिवेटिव निकलवाया था, तो उसी में ये मैच हो गया। तो कौन सा मैच हुआ है, आपको पूरी पूरी जानकारी है कि कौन सा मैच हुआ है, 8 नंबर पे हमने आपको लिखवाया था फंक्शन वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, इसका nth डेरिवेटिव हमने आपको बताया था माइनस वन की पावर n ऑफ फैक्टोरियल n अपॉन में a की पावर n प्लस टू इंटू में साइन n प्लस का वन थीटा इंटू में साइन n प्लस वन इंटू थीटा, और यहाँ पे हमने थीटा भी बताया था आपको कि टेन इनवर्स वन अपॉन एक्स कॉट इनवर्स एक्स, यही बोला था। बताओ भाई ये अगर कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट कर लेना है, ये सब आपको बेसिक में मिलेगा, जो बता रहे हैं कि 9 फंक्शन जो हमने आपको एक्सरसाइज 8.2 कई बेसिक में बताए थे जिनका nth डेरिवेटिव निकलवाया था, तो इसी का हम यूज करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमको आंसर शीट में ये वाला टर्म भी बताना है n वाला, तो इसलिए यहाँ पे यूज करेंगे। तो देखो एफ एन एक्स nth डेरिवेटिव बताना है, ये जो हमने आपको बताया है बाई से बना है, ये डेरिवेटिव nth डेरिवेटिव किससे बना, बाई से बना है, और यहाँ पर आपको पता है फर्स्ट डेरिवेटिव से बनाना है, फर्स्ट डेरिवेटिव से बताना है, इसका मतलब इसको हटाना है, समझ गए। फिर एक बार रिपीट करते हैं, ये जो nth डेरिवेटिव आपने याद किया है बाई से निकला है, समझ गए, बाई वन से नहीं निकला है, फर्स्ट डेरिवेटिव से नहीं निकला है, बाई से निकला है, और यहाँ पर जो आप यूज करोगे फर्स्ट डेरिवेटिव के बाद, तो यानी ये लाइन आपको हटाना है, कैसे हटाओगे, एन को रिप्लेस करना है एन माइनस वन से, तो आप यहाँ से बता पाओगे, तो जहाँ जहाँ एन दिख रहा है कितना रखना है एन माइनस वन, तो हमने रखा। ठीक है, नीचे ए की वैल्यू यहाँ पे वन मिलेगी तो नीचे ना लिखो, ठीक है, केवल और केवल माइनस वन की पावर एन माइनस वन और फैक्टोरियल एन माइनस वन साइन, यहाँ पे जैसे एन माइनस वन डालेंगे केवल एन मिलेगा, ठीक है, वो प्लस वन माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, क्लियर हुआ। ठीक है, अब इसको हम रफ करते हैं, ये जरूर चैप्टर 8 जो है कंप्लीट करना है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, इसका यूज है भरपूर चैप्टर 9 में मैक्लोरिन एंड टेलर सीरीज, इसको रफ करते हैं। अब देखो यहाँ पे ये भी लिखना है कि वेयर थीटा इक्वल जो है टेन इनवर्स वन अपॉन एक्स इक्वल में कॉट इनवर्स एक्स। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये तो आपको मिल गया,
ठीक है। अब आपको पता है कि हमें ये भी चाहिए टर्म और ये भी चाहिए, ये तो मिल गया अगर सीरीज की बात करें। जैसे आपको पता है कि अगर इन पावर ऑफ एच में यूज़ करना है तो पहला टर्म एफ एक्स आएगा, तो एफ एक्स तो ये मिल ही गया, वहाँ पे देख लो। फिर आता है एच एफ डैश एक्स, तो एच एफ डैश एक्स एफ डैश एक्स एफ डैश एक्स आपको निकालना है। यस तो मैच हो गया ना, एफ डैश निकालना है, तो एन की वैल्यू क्या डाल दो, इसमें वन डाल दो तो एफ डैश ये वाला टर्म मैच हो जाएगा, टू डालेंगे तो ये, तीन डालेंगे तो ये, तो वन टू थ्री इतना आपको डालना है, समझ गए। एफ डैश फर्स्ट डेरिवेटिव के आंसर ही निकल जाएगी, तो जैसे ही हम यहाँ पे वन डालेंगे तो ये क्या बता देगा, जीरो पावर वन, पहले लिख दें, ठीक है पहले लिख देते हैं, वन माइनस वन, यहाँ पे वन माइनस वन, और यहाँ पे साइन थीटा और साइन थीटा ही मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू वन बताएगा, यहाँ पे बताएगा, क्योंकि माइनस वन की पावर जीरो तो वन ही बोलेगा, और फैक्टोरियल जीरो की वैल्यू वन, ठीक है लिख लो। थोड़ा सिंपली ये स्क्वायर ना करो, क्योंकि यहाँ पर साइन देना है यहाँ पे देना है, तो स्क्वायर ना करो, साइन स्क्वायर थीटा ना लिखो, ठीक है। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, सेकेंड डेरिवेटिव की आंसर शीट निकालना, टू रख दो तो माइनस वन की पावर टू माइनस वन और फैक्टोरियल टू माइनस वन, ठीक है। यहाँ पे आएगा टू रखोगे तो इतना मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस वन देगा, सिंप्लीफाई करोगे ये वन देगा, और इनटू में साइन स्क्वायर थीटा इनटू में साइन टू थीटा, ठीक है। माइनस का कितना मिला, साइन स्क्वायर थीटा इनटू में साइन टू थीटा, इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अब एक आंसर शीट और निकाल लो थर्ड डेरिवेटिव के, एन की वैल्यू थ्री डाल दो, माइनस वन की पावर थ्री माइनस वन और फैक्टोरियल थ्री माइनस वन, ठीक है, और साइन क्यू थीटा इनटू में साइन थ्री थीटा। अब इसको सिंपलीफाई करेंगे, देख लो, जैसे ये तो बन ही देगा भाई, ईविन मिल जाएगी ना, पावर थ्री में से वन को माइनस करेंगे, ईविन पे ये बन ही देगा, यहाँ पे फैक्टोरियल टू की वैल्यू फैक्टोरियल टू ही रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। साइन क्यू थीटा इनटू में साइन थ्री थीटा, ठीक है। एक लाइन और बढ़ा के लिख लो, साइन क्यू थीटा इनटू में साइन थ्री थीटा, ठीक है। ये यूज़ करना है, किस में यूज़ करना है, एक्सपेंशन ऑफ एफ एक्स प्लस एच इन पावर ऑफ एच के एक्सपेंशन में, ठीक है। अब इसके आगे आपको लिखना है, देखो यहाँ पे कैसे लिखोगे, एक्सपेंशन ऑफ एफ एक्स प्लस एच इन पावर ऑफ एच, ठीक है। देख लो, एफ एक्स प्लस एच इक्वल में एफ एक्स, ये याद होगा, दिक्कत नहीं आएगी, याद कर लेना, नोट में हमने आपको बताए थे, दो बताए थे जिनमें से एक ये है, ठीक है। एच की पावर थ्री अपॉन में फैक्टोरियल थ्री एफ ट्रिपल डैश एक्स, फिर प्लस डॉट 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 एक और लिख लो, एच की पावर एन अपॉन में फैक्टोरियल एन और एफ एन एक्स, ठीक है। आगे डॉट डॉट अगर है तो आगे डॉट 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 चला लो, ठीक है। अब आपको वैल्यू रखना है, सबसे पहले एफ एक्स प्लस एच की टेन इनवर्स एक्स प्लस एच, एफ एक्स की वैल्यू क्या है, टेन इनवर्स एक्स, यही है, रफ कर दिया ना एफ एक्स, तो आपको देख के लिख लेना है कि टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। अब आ जाओ एच इसकी देख लो, एफ डैश की ये वाली यूज़ करोगे कि ये वाली यूज़ करना है, वो साइन में आंसर शीट बताना है, तो ये वाली यूज़ करो, एफ डैश कहाँ गया, ये वाली साइन थीटा है इनटू में साइन थीटा, ये वाली यूज़ करो, आंसर शीट में बताया, ये वाली यूज ना करो, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, एच स्क्वायर अपॉन में फैक्टोरियल टू, एफ डबल डैश की देख लो, ये वाली माइनस का साइन स्क्वायर थीटा इनटू में साइन टू थीटा, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो टर्म है यहाँ पे लिखते हैं, एच की पावर थ्री अपॉन में फैक्टोरियल थ्री, आ नहीं पाएगा तो थोड़ा इस साइड से
लिख लेते हैं, प्लस एच की पावर 3 अपान में फैक्टोरियल 3 रख लो, इसकी अनसिटी या ट्रिपल डेज की ये रही ये वाली, तो फैक्टोरियल 2 साइन क्यू थीटा इन टू में साइन 3 थीटा और प्लस डॉट डॉट डॉट, अब ये वाली रख लो एच की पावर एन अपान में फैक्टोरियल एन, इसकी तो निकाली थी ना ये वाली, कहाँ गई, ये वाली रखना है ये वाली, ठीक है, ये वाली आपको रख लेना है, माइनस वन की पावर एन माइनस वन और साइन और कुछ है फैक्टोरियल वाला और लिख लो, क्या लिख लो, फैक्टोरियल एन माइनस वन और साइन एन थीटा, इसको रफ कर दें क्योंकि अब इसकी ज़रूरत तो है नहीं, आंसर शीट मैच करवा देंगे, इनटू में साइन एन थीटा और प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है, अब इसको सेट करके लिखना है, इसको क्या करना है, सेट करके लिखना है, बस आंसर शीट आ चुकी है, टर्म को सेट करके लिखो फिर मैच कर लो, तो देख लो यहाँ पे करवाते हैं मैच, इसको ऐसे लिखो टेन इनवर्स एक्स प्लस एच इक्वल में टेन इनवर्स एक्स, अब इसको कैसे सेट करोगे, देखो यहाँ पे बताया गया है एच साइन थीटा, तो हमने क्या किया ब्रेकेट में एच साइन, एक साइन दे दिया एच को, दे दिया एक जो है उसको अकेला लिख के अपान में बन लिख दो, अकेला लिख के बन लिख दो, फिर प्लस माइनस माइनस कर लो, फिर क्या बोला है ये वाला एच साइन थीटा का स्क्वायर, तो एच स्क्वायर है, हमने एच लिखा है, इस पे पावर है ना, तो ये दोनों एक साथ लिख लो, जिन पे पावर है सेम टू सेम उन्हें एक साथ लिख लो, ठीक है, अब इनटू में क्या है साइन टू थीटा, ये फैक्टोरियल टू टू कर लो, क्योंकि फैक्टोरियल टू की वैल्यू टू होती है, फिर ये वाला कैसे लिखोगे, तो एच साइन थीटा की होल पावर 3 है, तो यहाँ पे पावर 3 यहाँ पे, इसको क्या कर लो एच साइन एच और साइन, ठीक है पावर सेम है लिख लो, अब इसके बाद में यहाँ पे देख लो साइन 3 थीटा, और ये कैसे कैंसिल होगा आपको पता है, इसे ओपन करोगे 3 इंटू 2 इंटू 1, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 3 ही मिलेगा, तो साइन 3 थीटा अपान में 3, ठीक है सिंप्लीफाई हो गया, अब प्लस डॉट 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 यहाँ पे आ जाओ, इसे सिंप्लीफाई करोगे एन निकालोगे बाहर, फैक्टोरियल में एन माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, ये केवल एन बचा, इसके नीचे लिख लो, और ये जो है एच साइन थीटा की होल पावर एन करके लिख लो, तो एच साइन थीटा की होल पावर एन करके लिख लो, ठीक है इसे और इसे मिला लिया, और माइनस वन की पावर एन माइनस वन आगे लिख लो, यहाँ पे लिखते हैं माइनस वन की पावर एन माइनस वन आगे लिख लो, ये कैंसिल हो गया एन बचेगा नीचे, ठीक है तो साइन एन थीटा के अपान एन लिख लो, देख लो यहाँ पे, ठीक है और प्लस डॉट डॉट डॉट, अब यहाँ पे बता देना है कि वेयर थीटा इक्वल कॉट इनवर्स एक्स, थीटा क्या है कॉट इनवर्स एक्स है, ये कंप्लीट हुआ, अब इसको नोट करो, अब एग्जांपल 4 की है बारी, नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी, ठीक है इतना नोट करो, एग्जांपल 4 को सॉल्व करवाते हैं, इसको हम रफ करेंगे, आप लोग क्या करो तब तक उसको देख लो कि कैसे सॉल्व होगा, सभी स्टूडेंट देख लो कि कैसे सॉल्व होगा, ठीक है यहाँ पे नंबर डाल देते हैं, अब देख लो यहाँ पे क्या बोला गया, सो दैट इसके इक्वल ये बताना है, कितने टर्म बताना है, 1 2 3 4 बताना है, ठीक है यहाँ पे x प्लस एच दिख रहा है, तो कैसे लेट करोगे एफ एक्स प्लस एच से, ये भी जानकारी होना चाहिए, तो एफ एक्स प्लस एच के इक्वल हम लिखेंगे लॉग एक्स प्लस एच, ठीक है अब आपको देखना है कि एक्स की वैल्यू 0 और एच की वैल्यू 0 कब डालते हैं आपको पता है, इन पावर ऑफ, अगर क्वेश्चन में लिखा है इन पावर ऑफ एक्स, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे 0 डालना है, अगर लिखा है क्वेश्चन में या फिर एग्जांपल में इन पावर ऑफ एच, तो एच की वैल्यू इसमें डाल देना है, अगर नहीं लिखा है तो आपको ऑन द शीट में देखना है एक्स पावर 1 एक्स पावर 2 एक्स पावर 3, तो ये मैच हो जाएगा, अगर एच की पावर 1 एच की पावर 2 एच की पावर 3, तो ये मैच हो जाएगा, तो देख लो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है
ऊपर देखना है, नीचे नहीं देखना है, अंश में देखना है, न्यूमरेटर में, इतना ध्यान रखना है। जो भी देखना है वेरिएबल वो न्यूमरेटर में देखना है ऊपर। तो एक्स एक्स दिख रहा है, मतलब एक्स की पावर वन, एक्स की पावर टू, एक्स की पावर थ्री दिख रही है, तो इसमें पहुंच जाएगा इन पावर ऑफ एक्स में। ये नहीं हुआ तो यहाँ पे क्या करेंगे, पुट एक्स की वैल्यू जीरो डाल दो। जैसे डाली तो एफ एच क्या निकला, लॉग एच। यहाँ पर भी डालना है, यहाँ पर भी डालना है। अब आपको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एच के। और एक बात ध्यान रखना, जैसे यहाँ पे वैल्यू पहले डाली जाती है, यहाँ पे पहले वैल्यू डाली जाती है फिर नहीं डालना पड़ती है। और जैसे एग्जांपल फर्स्ट में वैल्यू डालते रहते थे बार बार, यहाँ पर एक बार डालना पड़ेगी फिर नहीं, फिर तो आपको डिफ्रेंशिएट करना है। कर लो लॉग का क्या होता है इतना, ठीक है। और सेकंड डेरिवेटिव के अंदर हिट वन अपान एक्स का क्या होता है, माइनस वन अपान एक्स स्क्वायर होता है, तो लिख लो ऐसा करके। हमको आंसर शीट बताना है, एक दो तीन चार, एक दो तीन, एक और निकालो भाई, एक और निकालो, देख लो आंसर शीट। अब ये टू ऊपर जाएगा ना, नेगेटिव का जाएगा पॉजिटिव हो गया, क्योंकि डिफ्रेंशिएट में नीचे पावर इंक्रीज होती है और ऊपर पावर डिक्रीज होती है, डिफ्रेंशिएट की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे यूज़ कर लो टेलर थ्योरम, एक्सपेंशन ऑफ एफ एक्स प्लस एच, फिर आपको यहाँ पे लिख लेना है इन पावर ऑफ। अब पावर देख लो भाई, यहाँ पे देखो एक्स वैल्यू जीरो डाली ना, तो एक्स में आपको लिखना है, तो क्या लिखा जाएगा यहाँ पे, एफ एक्स प्लस एच, ठीक है। ये मैच हो गया ना, ये मैच हो गया, जो बचा है वो फंक्शन में रखना है ऐसे करके एफ के पास, फिर एक्स एफ डेस एच प्लस का एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डेस एच, एक और टर्म लिखना है एक्स की पावर थ्री अपॉन में फैक्टोरियल थ्री एफ ट्रिपल डेस एच प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब वैल्यू रखो एफ एक्स प्लस एच की क्या है, लॉग एक्स प्लस एच, एफ एच की वैल्यू देख लो लॉग एच है प्लस एक्स, इसकी देख लो एफ डेस की वन अपॉन एच है, एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू इसकी एफ डबल डेस की देख लो माइनस वन अपॉन एच स्क्वायर, एक्स की पावर थ्री अपॉन फैक्टोरियल थ्री एफ ट्रिपल डेस की देख लो टू अपॉन एच क्यू। अब इनको सेट करके लिखना है, क्या करना है, इनको सेट करके लिखना है। देखो कैसे सेट करोगे, आंसर शीट देख देख कर आपको सेट करना है, आंसर शीट देख देख के क्या करना है, सेट करना है। तो लॉग एच हो गया, यहाँ पे आ जाओ एक्स के अपॉन एच है तो यहाँ पे लिख लो एक्स के अपॉन एच, मिल तो रहा है ये देखो। फिर ये वाला नेगेटिव एक्स स्क्वायर अपॉन टू एच स्क्वायर, नेगेटिव हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में टू एच स्क्वायर, फैक्टोरियल टू की वैल्यू टू होती है। फिर ये वाला लिखो, तो यहाँ पर ये ओपन करोगे टू से टू कैंसिल हो जाएगा, थ्री ही मिलेगा, तो प्लस का एक्स की पावर थ्री अपॉन में थ्री एच क्यू, थ्री एच क्यू, क्योंकि इसे ओपन करोगे थ्री टू वन, तो टू से ये कैंसिल होगा, नीचे थ्री मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस है, बाद में यहाँ पे माइनस करना है ऐसे करके, फिर डॉट 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 करके लिख देना है। ये कंप्लीट हो गया, नोट कर लो इसको, ठीक है। एग्जांपल फोर ये कंप्लीट हो गया, अब बात करेंगे एग्जांपल फाइव की, अच्छे से समझना एग्जांपल फाइव, थोड़ा अलग है क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चन भी नहीं मिले थे, इस टाइप से एक्सरसाइज में क्वेश्चन नहीं मिले थे, एक्सरसाइज 9.2 की बात कर रहे हैं, तो इसको आपको समझ लेना है कैसे सॉल्व करना है। पहले इसको हटाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फाइव का फर्स्ट लिख लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, मतलब हमको ये प्रूव करना है इतना इक्वल इतना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा, एज्यूमिंग द पॉसिबिलिटी, तो तीन रिजल्ट आपको याद है, एक प्रूव करवाया था, दो नोट में लिखवाए थे, उन्हीं में से कहता है पॉसिबिलिटी जो हो उसको यूज कर लो एक्सपेंशन को, फिर बोला प्रूफ दे इतना इक्वल इतना। तो यहाँ पे देखो एक्स, देखो ये एक्स की पावर वन दिख रही है, यहाँ पे एक्स की पावर टू दिख रही है, यहाँ पे एक्स की पावर थ्री दिख रही है,
इसी से पता लग जाएगा कि कौन सा हमें एक्सपेंशन यूज करना है। नोट में जो दो लिखाए थे उनमें से यह एक प्रूव करवाया था टेलर थ्योरम में, उसको यूज करना है। तो यहीं से पता लग जाएगा। तो एक्स एक्स ई पावर वन, तो इन पावर ऑफ कौन सा यूज करना है, इन पावर ऑफ एक्स, जिसके लिए बोले उसी की पावर आपको देखना है। तो पावर यहाँ पे पहले देख ली एक्स की, तो इन पावर ऑफ एक्स वाला यूज होगा। ठीक है, समझ गए, कोई डाउट तो नहीं है एफ एक्स प्लस एच के एक्सपेंशन में। तो आपको क्या करना है, ये पहले तो हम लिखते हैं एफ एक्स प्लस एच, क्योंकि सभी में ऐसा है। देखो यहाँ पर भी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स बनाया है, ठीक है, तो मतलब इन पावर ऑफ एक्स के स्थान पे एक्स अपॉन वन प्लस एक्स बनेगा। अलग अलग करके सॉल्व करवाते हैं अलग अलग। फर्स्ट पार्ट में पहले हम क्या करेंगे, फार्मूला यूज कर लेते हैं, एक्सपेंशन ऑफ एफ एक्स प्लस एच इन पावर ऑफ एक्स। ठीक है, तो देख लो एफ एक्स प्लस एच इक्वल में ये मैच हो गया, जो मैच नहीं हुआ है वो एफ के पास में रहेगा। कितने टर्म चाहिए हैं गिन लो, कितने टर्म चाहिए गिन के आपको लिख लेना है। पहले हम लिख लेते हैं फिर बाद में बताते हैं कितने टर्म लिखोगे। एक्स पावर थ्री तक जाना, मतलब थर्ड डेरिवेटिव तक जाना, एक और लिख लो एक्स पावर थ्री अपॉन फैक्टोरियल थ्री और एफ ट्रिपल डैश एच, और इसको डॉट डॉट कर देते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर कितने टर्म देख रहे हैं, दो देख रहे हैं। अगर हम इसकी बात करें एफ एम एक्स की, तो एक ही टर्म तो दिख रहा है, दो टर्म बनाना है आपको इसमें। अब कैसे बनेंगे देख लो, यहाँ पे एम माइनस वन है, एम माइनस वन, तो ऐसा बनाओ कि एम माइनस वन यहाँ पे मिल जाए। तो देख लो नाउ अब क्या करेंगे, हम फर्स्ट पार्ट यहीं से ले लेते हैं, मतलब ये चलो यहाँ से ही लिखना है। हम आपको बता देते हैं कि कैसे इसको सेट करोगे। जैसे एम एक्स है, ठीक है, एफ हम क्या करेंगे, एक हमने एक्स प्लस कर लिया, एक एक्स माइनस कर लिया, ठीक है, एक एक्स हमने क्या कर लिया, प्लस कर लिया, एक एक्स माइनस कर लिया, इसको मिला लो तो एम माइनस वन बन गया, एम माइनस वन। तो आंसर शीट में देख लेना कि एम माइनस वन कैसे बनेगा। तो एक्स प्लस करोगे एक्स माइनस करोगे तभी तो एम माइनस वन बनेगा, ठीक है, और प्लस का एक्स। अब देखो कौन सा मैच हुआ है यहाँ पे, इन पावर ऑफ एक्स है, तो एक्स की पावर वन और एक्स पावर टू एक्स पावर थ्री बनाई है, तो यहाँ पर ये एक्स मिल जाएगा। लेकिन जो फंक्शन के पास है वेरिएबल, जो फंक्शन के पास वेरिएबल है, मेरे पास एच है, यहाँ पे क्या है एक्स है, तो एच के स्थान पर आपको एक्स रखना है, एच के स्थान पर एक्स रखना है। तो इस तरीके से आपको बनाना है, तो बना भी है क्योंकि ये एच हो गया, ये क्या हो गया एच हो गया, और ये क्या हो गया एक्स हो गया, ऐसे कर लो कंपेयर। तो हम क्या करेंगे, एच इज रिप्लेस वाई, एच रिप्लेस वाई एक्स से, ठीक है। देखो यहाँ पे एक्स चाहिए, तो हमने क्या किया, ये जहाँ जहाँ एच है रिप्लेस कर लेंगे एक्स से, एंड और एक्स जो रिप्लेस करोगे तो एच तो रिप्लेस हो जाएगा एक्स से, और जो एक्स है मेरे पास ये रिप्लेस करना है, एक्स इज रिप्लेस वाई एम माइनस वन इंटू एक्स रिप्लेस करना, तभी आंसर शीट मिलेगी। जैसा बता रहे हैं ऐसे ही आपको समझना है, क्योंकि अगर हम बात करें क्वेश्चन की एक्सरसाइज 9.2 के, ऐसा नहीं था क्वेश्चन, तो आपको समझ लेना है, ठीक है। तो देखो हमने क्या किया, इसको तो ऐसे ही लिखोगे कि ये बना हुए, चलो रखोगे तो बन जाएगा अपने आप। देखो कैसे, यहाँ पे एक्स है, एच है, एच को एक्स से रिप्लेस किया, ठीक है, और एक्स को किससे रिप्लेस किया, एम माइनस वन इंटू एक्स है, ठीक है। सिंप्लीफाई करोगे यही मिलेगा, ये इक्वल में देख लो एच है, एफ एच है,
ये H किससे रिप्लेस होता है, X से, ठीक है, प्लस, और X किससे बताया है, M माइनस वन इंटू X से, ठीक है, F डेस X, फिर आ जाओ यहाँ पे, X किससे बताया रिप्लेस, M माइनस वन से, इसकी पावर कर लो टू, इसकी पावर टू कर लो, क्योंकि X स्क्वायर है ना, अपान में जैसे का तैसा, F डबल डेस X आपको लिख देना है, ठीक है, फिर प्लस यहाँ पे आ जाओ, X किससे बताया रिप्लेस, एम माइनस वन इंटू एक्स, यहाँ पे पावर थ्री है, इस पे दे दो, इस पे दे दो, अपान में फैक्टोरियल थ्री, अब ट्रिपल डेस एक्स, अब देखो आंसर शीट, देख लो आंसर शीट, एफ एक्स मैच हो गया, ये सिंप्लीफाई कर देंगे, पहले ये देख लो, ये मैच हो गया, ये भी मैच हो गया, और ये भी मैच हो गया, और ये भी मैच हो गया, ठीक है, अब इसको देखो सिंप्लीफाई करोगे तो आपको पता है ये चीज़ है सेम टू सेम, तो क्या है एम एक्स है, एम एक्स लिख दो, और बाकी सबको सेम टू सेम आपको उतार देना है, एफ एक्स प्लस एम माइनस वन इंटू में एक्स एफ डैश एक्स और प्लस एम माइनस वन की होल पावर टू अपान में फैक्टोरियल टू और एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश एक्स और प्लस एम माइनस वन, क्या है एम माइनस वन की होल पावर थ्री है इंटू में एक्स क्यू अपान में फैक्टोरियल थ्री एफ डबल डैश नहीं ट्रिपल है, ठीक है, प्लस डॉट 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 लिख लो, ये प्रूफ हो गया, ऐसे ही सेकंड वाला प्रूफ होगा, ऐसे ही सेकंड वाला प्रूफ होगा और थर्ड वाला भी हो जाएगा, फर्स्ट हो गया, अब सेकंड की ये बारी, बताते हैं सेकंड, इतना नोट करो, इसको रफ करते हैं, अब यहीं से आपको समझना है, जो ये लाइन लिखी है ना, देखो कैसे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेकंड डाल लेते हैं, आप लोग समझो भाई कौन सा एक्सपेंशन यूज करना है, तो यहाँ पे देखो ये एक्स अपान वन प्लस एक्स की होल पावर वन है और यहाँ पे टू है, मतलब यहाँ पर जो एच काम करेगा वो एक्स का काम करेगा, मतलब यही आपको यूज़ करना है, एच रिप्लेस कर लेंगे एक्स से और एक्स जो है वो रिप्लेस हो जाएगा इससे, तो देखो कैसे बनेगा, मेरे पास क्या है, ये है, देखो कैसे इसके दो टर्म बनाना है, क्योंकि यहाँ पे दो टर्म है और यही यूज होगा, यही यूज होगा ना, समझ गए, क्योंकि हमें आगे एक्स एक्स चाहिए, एक्स कुछ भी हो वो तो बन ही जाएगा, रिप्लेस हो ही जाएगा, तो देखो कैसे, नाउ लिखो नाउ, यहाँ पे ये दोनों लाइनें लिखने के बाद, और एक्स स्क्वायर आपके अपान वन प्लस एक्स है, अब आपको क्या करना है, डिवाइड लगाना है, क्योंकि इसकी पावर क्या है, एक्स की टू है, इसकी हाईएस्ट पावर वन है, तो टू वन से ग्रेटर है, तो न्यूमरेटर की हाईएस्ट पावर, मतलब न्यूमरेटर में एक्स की हाईएस्ट पावर इक्वल है या फिर ग्रेटर है डिनोमिनेटर से, तो डिवाइड देना है, ये इंटीग्रेशन में आपने सीखा था क्लास ट्वेल्थ में, कि अगर पावर इक्वल है या फिर ग्रेटर है आपको डिवाइड देना ही देना है, तो वन प्लस का अगर देते हैं एक्स स्क्वायर में तो एक्स का इंटू कर लो, तो एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर मिलेगा ना, ठीक है, ये कट गया तो माइनस एक्स, कैसे लिखते हो, 123 से लिखा जाता है, एक नंबर फिर दो नंबर बटे तीन नंबर, या क्यू आर डी से लिख लो, इसे क्यू, इसे आर भी बोलते हैं, इसे डी भी बोलते हैं, क्वाटेंट रिमाइंडर डिवाइजर, तो क्वाटेंट रिमाइंडर डिवाइजर, ठीक है, हिंदी मीडियम वाले 123 से सीखे और इंग्लिश मीडियम वाले क्यू आर डी से सीखे, तो देख लो एक नंबर लिखते हैं एक्स है, फिर दो नंबर अगर माइनस का है तो माइनस का लिखना है, क्योंकि प्लस माइनस लिया है ना, प्लस है रिमाइंडर तो प्लस का लिखना है, माइनस रिमाइंडर है तो यहाँ से माइनस लेना है, फिर दो नंबर देख लो, दो नंबर यही तो है एक्स के अपान, तीन नंबर ये है वन प्लस एक्स, ऐसे करके डिवाइड लगाना है, ठीक है, देखो एक्स के अपान वन प्लस एक्स बन गया, ये देखो बन गया, ठीक है, अब देखो कैसे रिप्लेस होगा, कैसे रिप्लेस होगा ये जानकारी आपको होना चाहिए, तो एच हो जाएगा ये, एक्स हो जाएगा जे, कैसे लिखोगे देखो, एफ माइनस इसको ऐसे लिख लो, ठीक है, माइनस आ गए, प्लस का इसको बाद में, अब देखो एक्स हो गया एच हो गया, तो हम क्या करेंगे, पहले एक्स लिखते हैं, एक्स एंड
एच दोनों ले लेते हैं, एक्स एंड एच इज रिप्लेस वाई, इज रिप्लेस वाई, एक्स से ये हो जाएगा और एच से क्या रिप्लेस हो जाएगा, एक्स, ठीक है। पहले जो लिखा है एक्स, इससे रिप्लेस करना है एच को, इससे करना है इसमें। तो देख लो भाई, एक्स है, एक्स वाला क्या है माइनस एक्स के अपॉन वन प्लस एक्स, ठीक है। एच क्या है, एच रिप्लेस एक्स है, कर लो, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, एच रिप्लेस एक्स है लिख दो, ठीक है। हम यहाँ पे जल्दी ये लिख देते हैं, आपको समझ लेना है। एक्स आ जाओ ये वाला, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, एक्स के अपॉन वन प्लस एक्स, ठीक है। एफ डेस एक्स, ठीक है, यहाँ पे आ जाओ प्लस, इसका स्क्वायर करोगे ना यहाँ पे, तो एक्स के अपॉन एक्स प्लस इसका स्क्वायर, माइनस है प्लस ही हो जाएगा अपॉन में फैक्टोरियल टू, एफ डबल डेस एक्स। एक और टर्म आपको लिखना है, एक्स प्लस ये निगेटिव देगा, क्योंकि ये यहाँ पर डालोगे ना तो माइनस की पावर ऑड है, तो निगेटिव छोड़ेगा, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो एक्स के अपॉन वन प्लस एक्स की होल पावर थ्री अपॉन में फैक्टोरियल थ्री एफ ट्रिपल डेस ये एक्स, ठीक है। आप देख लो माइनस हो रहा है और यहाँ पे माइनस है, लास्ट में क्या है, माइनस है, ये माइनस लगा के डॉट 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 लिखना है, ठीक है। आप देखो थोड़ा सा साइड करते हैं, ये सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा, क्योंकि इसी को तो मतलब इसी को तो ऐसे बनाया तो ऐसा मिल जाए, तो ऐसा लिख दो, क्या दिक्कत है। एफ एक्स स्क्वायर के अपॉन वन प्लस का एक्स इक्वल में एफ एक्स हमने लिख लिया, अब ठीक है, एक्स के अपॉन जैसा लिखा है ऐसे ही लिखो, एक्स के अपॉन वन प्लस एक्स, फिर एफ डेस एक्स। अब देख लो यहाँ पे फैक्टोरियल टू आगे लिख लो, हमने आगे लिख लिया, फिर इसके बाद बताया है इसको लिख लो, हमने लिख लिया एक्स के अपॉन वन प्लस इतने का स्क्वायर, फिर बाद में बताया एफ डबल डेस लिख लो, हमने लिख लिया, फिर और है मतलब यहाँ पर हमको कितने टर्म, एक दो तीन ही बताना थे, तो ये एक्स्ट्रा हो गया, ज़रूरत नहीं थी, चलो निकाल लिया, क्या दिक्कत है, ना निकालते कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एक टर्म कम करके लिखना है, अगर निकाल लिया कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको वैसे ही पता है मिनिमम लिखना है तीन, ज़्यादा से ज़्यादा चाहे जितने लिखो, नंबर तो उतने ही मिलेंगे ना, ठीक है। चलो थर्ड वाला आप बताते हैं, इसको रफ कर दें, यहीं से समझाएंगे, ये तो हो ही गया, इसको हम रफ करते हैं। अब थर्ड की बारी है, लास्ट है भाई, इसके साथ ये 9.2 एक्सरसाइज के एग्जाम्पल कंप्लीट हो जाएंगे ना, ठीक है। अब यहाँ पे तीन नंबर डालते हैं, मतलब तीसरा पार्ट है ना। अब देखो यहाँ पे देखो, एक्स है, एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब है, तो हम ये समझ गए इन पावर ऑफ एक्स, यही वाला लगेगा, ठीक है। लेकिन इसको थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा आपको, कैसे, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, एफ जीरो इधर लाएंगे, तभी तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख पाएंगे, एक्स माइनस एक्स दो टर्म कैसे बनेंगे, इसके तो बना नहीं पाओगे, इसके बना लोगे, तो ये सब इधर आ जाएगा नेगेटिव का, बाद में फिर हम ट्रांसफ़र करके यही छाप लेंगे, या फिर आपको समझ लेना है कि ये आपको लेके चलना है, क्या लेके चलना है, ये एफ जीरो, ठीक है। देखो यहाँ पर नाउ एफ जीरो लेके चलो, इसे कैसे लिखोगे, दो टर्म बना लो, क्योंकि दो टर्म है ना, तो एक्स माइनस एक्स लिख लो। अब एक्स रिप्लेस करना है एक्स से, और एच भी रिप्लेस करना है एक्स से, दोनों करना है, ठीक है। लेकिन ये माइनस का एक्स हो जाएगा, एच रिप्लेस करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो एक्स एंड एच, ये दो पकड़ लो, ये दो पकड़ लो, एक्स हो जाएगा एक्स से, एज रिप्लेस वाई, एक्स एंड एच जो रिप्लेस करोगे माइनस एक्स से करना है, ठीक है, इसी में रखो जहाँ जहाँ है। तो एक्स हो जाएगा एक्स, ठीक है, सेम टू सेम है, एच हो जाएगा माइनस प्लस माइनस का हो गया, ठीक है। ये एच जो है ये आपको दिख रहा है, एच किससे करना है, माइनस एक्स से,
ये थोड़ा गलत तो नहीं है, क्योंकि हमें ये प्लस का ही बनाना है फंक्शन में, और फंक्शन वाला क्या है, एक्स जो है प्लस का एक्स है, तो वो तो ये आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इन पावर ऑफ एक्स में ही चाहिए, तो ये ठीक लिखा है लेकिन ये आपको चेंज करना है, नहीं गड़बड़ हो जाएगा भाई, गड़बड़ हो जाएगा। एच जो है माइनस एक्स से, तो यहाँ पे माइनस एक्स आ जाएगा ना, तो वहाँ पे प्लस का एक्स बताया, तो आपको क्या करना है, ये दे दो ऐसे और ये दे दो प्लस का, अब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एक्स है माइनस एक्स डाल दो और एच डाल दो प्लस का एक्स, ठीक है। एक्स डालना है माइनस का एक्स और एच डालना है एक्स, तो कोई दिक्कत नहीं, जहाँ जहाँ एच है आपको एक्स डालना है, तो हमने एक्स डाल दिया। फिर आ जाओ यहाँ पे, एक्स किसे बताया है, माइनस एक्स से, और बाकी तो आपको पता ही है, एच डालना है एक्स, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, एक्स स्क्वायर है तो एक्स रिप्लेस बाय माइनस एक्स अपान में फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश एक्स, ठीक है। कितने टर्म दिखाना है, मतलब एक और दिखाना है, उसमें देख लो पावर थ्री तक बोला है, तो माइनस एक्स की पावर थ्री अपान में फैक्टोरियल थ्री और एफ ट्रिपल डैश एक्स, आगे डॉट 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 करके दिखा दो, अगर माइनस है यहाँ पे, तो यहाँ पे माइनस लगाने के बाद में आपको डॉट 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 करके बता देना है, ठीक है। अब थोड़ा साइड करते हैं, आंसर शीट तो आएगी, ये क्या हो गया, ये जीरो हो गया, ये एफ एक्स हो गया, ये नेगेटिव का हो गया एक्स, और एफ डेस एक्स हो गया, ये तो प्लस ही देगा, ये क्या देगा, प्लस ही देगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, ये नेगेटिव दे देगा, पावर ऑड है ना इसलिए, और एफ ट्रिपल डेस एक्स माइनस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। चलो इतना नोट करो, अब देखो एफ एक्स के इक्वल लिखना है, एफ एक्स के इक्वल लिखना है, तो ये एफ एक्स है ना, इनको सबको इस साइड लाएंगे, देखो जैसे एफ जीरो है, ये इस साइड लाओगे ना तो प्लस का बन जाएगा, क्या बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा, ठीक है। और ये माइनस का बन जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश एक्स, ये इस साइड आएगा ना, प्लस का बन जाएगा, ठीक है। और जब ये प्लस करोगे तब ये माइनस देगा, डॉट 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 इक्वल में एफ एक्स, ठीक है। इसको इसको और इसको इस साइड लाए और इक्वल में ये एफ एक्स ऐसे लिख दिया, आप घुमा के लिख दो, आंसर शीट तो आ ही गई है, एफ एक्स के इक्वल आपको लिख देना है। तो यहाँ पे क्या है, एफ जीरो है, एक्स इंटू में एफ डैश एक्स है माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू और एफ डबल डैश एक्स है और प्लस एक्स ई पावर थ्री अपॉन में फैक्टोरियल थ्री एफ ट्रिपल डैश एक्स है नेगेटिव डॉट 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 डॉट। अब आपको देखना है यहाँ पे, यहाँ पे आपको क्या करना है, मैच करना है, मैच तो हो ही गया है, एफ एक्स के इक्वल एफ जीरो है, फिर प्लस का ये वाला, फिर नेगेटिव और फिर प्लस, और यहाँ पे माइनस का करना है, ठीक है। माइनस के बाद में डॉट 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 करके आपको दिखाना है। तो एक्सरसाइज 9.2 के एग्जांपल कंप्लीट करवाए दिए हैं, अब अगली क्लास में हम क्या करेंगे, नया चैप्टर लाएंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन। बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर पार्शियल डिफरेंशिएशन हमको पढ़ना है, अब मज़ा आ जाएगा भाई, अगली क्लास में लेके आएंगे, गर्दा उड़ाएंगे उसका। अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्कल में। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।